हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रसिका पगारिया फ्रॉम अरहम कॉलेज। सी इन लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद द पॉइंट दैट इज द आर्ट क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ हरप्पन कल्चर। इन दैट फर्स्ट आर्ट वी सॉ वाज दैट पॉटरी। इन दैट पॉटरी वी सॉ ग्लेज्ड पॉटरी, अनग्लेज्ड पॉटरी, यूजेस ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स, पॉलीक्रोनिक पॉटरी, थिन पॉटरी प्लैक यूज। देन वी सॉ अबाउट द सील, लाइक सील उनके पास बहुत ज़्यादा सील मिले और बहुत अच्छे अच्छे सील थे उनके पास, और पॉटरी भी बहुत अलग अलग टाइप के वो लोग बनाते थे। सील में भी देखो एक इम्पॉर्टेंट सील था, वो है यूनिकॉर्न का। अब वो यूनिकॉर्न को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता था, नो वन नोज अबाउट इट, राइट। सब लोग अपने अपने थॉट बोल रहे हैं, बट एक्चुअल क्या है क्या नहीं, फैक्ट नो वन नोज अबाउट इट। देन सील्स में इम्पोर्टेंस क्या था, एक तो पशुपति सील जो अपन लॉर्ड शिवा को बोलते हैं प्रॉबेबली, देन द यूनिकॉर्न सील एंड द बुल सील। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द बीड्स। द वराइटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। स्टोन्स लाइक कार्नेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स एंड स्टीटेल्स। सी द वराइटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीड्स, बहुत से मटेरियल यूज़ किए जाते थे ताकि वो अच्छे से बीड बना सके। एक रिमार्केबल क्या था, स्टोन्स लाइक कैरेनियल ऑफ अ ब्यूटीफुल रेड कलर, रेड कलर का कैरेनियल नाम का ये स्टोन था। देन जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टीलाइट्स ये थे। एंड मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड एंड शेल, फिनाइसिस एंड टेराकोटा और बर्नड क्ले। मेटल्स क्या क्या यूज़ करते थे, स्टोन में वो लोग क्या यूज़ करते थे, कैरेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स एंड स्टीलाइट्स, ओके। और मेटल में क्या यूज़ हुआ जाता था, मेटल्स में यूज टू यूज कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड और शेल्स, फिनेसिस एंड टेराकोटा और बर्नड क्ले। सम बीड्स वर मेड अप ऑफ टू और मोर स्टोन्स सीमेंटेड टुगेदर, सम ऑफ द स्टोन्स विद गोल्ड कैप्स। सी कुछ बीड्स क्या करते थे, वो लोग बीड्स क्या है, दो तीन स्टोन एज इन मिक्स करके बनाते थे और बीच बीच में कहीं तो गोल्ड भी डालते थे। द शेप्स वेर न्यूमरस, डिस सी शेप, सिलेंड्रिकल, स्पाइरल, बैरल शेप, सेगमेंटेड। सी द शेप्स वेर न्यूमरस, सी द शेप्स क्या थे, द शेप्स वेर न्यूमरस, लाइक डिस कोई भी शेप का रहता था, कभी सिलेंडर शेप का रहता था, कभी स्पाइरल रहता था, कभी बैरल शेप रहता था, और कभी कभी सेगमेंटेड भी रहते थे, लाइक अलग अलग शेप्स का था सब कुछ। सम वेर डेकोरेटेड बाय इंसिनिंग और पेंटिंग एंड सम हैड डिज़ाइन अटैच्ड ऑन टू देम। सी सम क्या थे, कुछ कुछ बीड्स के वो लोग अच्छे से डेकोरेट करते थे या पेंट भी करते थे और डिज़ाइन भी किया करता था ऑन देम। टेक्निक फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू मटेरियल। सी टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स क्या थे, ये अलग अलग मटेरियल के बने रहते थे, लाइक बीड्स क्या है, एक ही मटेरियल के लिए टिपिकल मटेरियल के नहीं बने थे, तो लोग नए नए मटेरियल पे ट्राई करते थे। स्टीलाइट्स, अ वेरी सॉफ्ट स्टोन वॉज ईजिली वर्क। सी स्टीलाइट्स क्या था, ये एक बहुत सॉफ्ट स्टोन था जो अच्छे से काम करता था। सम बीड्स वेर मॉड्यूल आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विद स्टेलाइट पाउडर। सी सम बीड्स वेर मॉडल आउट ऑफ अ पेस्ट, कभी कभी वो ऐसे पेस्ट के भी बनते थे जिसको अपन वो स्टीलाइट पाउडर बोलते, स्टीलाइट पाउडर मतलब चुना पीला। दिस परमिटेड मेकिंग अ वराइटी ऑफ शेप्स अंटिल द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड आउट ऑफ हार्ड स्टोन। इससे क्या बोलते थे, बहुत से अलग अलग स्टोन बनते थे जिससे अपने को ज्योमेट्रिकल फॉर्म मिलता था और एक हार्ड स्टोन मिलता था। How the stellate micro beads was made remain a puzzle for archaeological studying ancient technology. See how the stellate micro beads, like किस तरह से ये stellate micro beads काम करते हैं, ये सारा क्या है, आज technologically सब देखने जाओ तो सारा एक question mark ही है अपने पास। Archaeologists experiment have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. See आर्कोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, ये रेड कलर का जो स्टोन है कैरेनियल, ये कैसे मिलता था, येल्लो कलर के स्टोन को, येल्लो कलर का कुछ रॉ मटेरियल मिलता होगा
उसको आग लगाते होंगे और अच्छे से फायर देके इट वुड हैव टर्न इट टू रेड, और ये यूज़ करते थे फॉर द बीड प्रोडक्शन के लिए, ये यूज़ हुआ जाता था। नॉड्यूल्स वेर चिप्ड इंटू रफ शेप एंड देन फाइनली प्लेट इंटू फाइनल फॉर्म। नॉड्यूल्स क्या करते थे, नॉड्यूल्स वेर चिप्ड इंटू रफ शेप्स और फिर उसको फाइनली प्लेट करते थे इंटू फाइनल फॉर्म। ग्राइंडिंग पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस। अब क्या होता है, ग्राइंडिंग करना पड़ता है, पॉलिशिंग एंड देन ड्रिलिंग, ये तीनों प्रोसेस से क्या होता था, जब ये तीनों प्रोसेस होते थे तब वो प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता था। स्पेशलाइज्ड ड्रिल हैव बीन फाउंड एट चहुंदारो लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा। सी स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स कहाँ पे मिले हैं, दे वर फाउंड एट चहुंदारो लोथल और रिसेंटली धोलावीरा। टेराकोटा फिगरेंस, टेराकोटा फिगर्स आर मोर रियलिस्टिक इन गुजरात साइट्स एंड कालीबागन। टेराकोटा फिगर्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक काम दिखे अपने को गुजरात साइट्स और कालीबंगन में। इन टेराकोटा वी फाइंड अ फ्यू फिगरेंस ऑफ ब्रीडेड मेल्स विद कॉइल्ड हेयर, देयर पोस्चर रिजिडली अपराइट, लेग स्लाइटली अपार्ट एंड द सेम एंड द आर्म्स पैरेलल टू द साइड ऑफ द बॉडी। टेराकोटा फिगर्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा कहाँ दिखे, रियलिस्टिक कहाँ दिखे अपने को गुजरात साइड में और कालीबंगन में। इन टेराकोटा वी फाइंड अ फ्यू फिगरिंग्स ऑफ ब्रीडेड मिल्स। टेराकोटा में, इन टेराकोटा क्या है, वी फाइंड अ फ्यू फिगरिंग्स ऑफ ब्रीडेड के मेल्स बनाए थे जिनके हर हेयर कॉइल्ड थे, कॉइल्ड मतलब स्पा करली करली थे, और उनका पोस्चर कैसा था, रिजिडली अपराइट मतलब एकदम स्ट्रेट पोस्चर, और लेग्स क्या थे, स्लाइटली अपार्ट एंड द आर्म्स पैरेलल टू द साइड ऑफ द लेग्स, लाइक लेग्स थोड़े से फैले हुए और हाथ उसी लेग्स पे एज स्ट्रेट। द रिपीटेशन ऑफ दिस फिगर इन एग्जैक्टली द सेम पोजिशन वुड सजेस्ट दैट ही वॉज अ डाइटी। और ये पोजिशन है ना बार बार दिख रही थी उधर उनको, तो ये पोजिशन जब बार बार देखने को मिली तब वॉट दे सजेस्टेड दैट कि बाबा ये कोई भगवान ही होगा, उस वक्त उनके यहाँ पे कोई भगवान होगा या कोई महान आत्मा होगी। अ टेराकोटा मास्क ऑफ अ हॉर्न डिलाइट हैज ऑल्सो बीन फाउंड देयर। अ टेराकोटा मास्क ऑफ अ हॉर्न डिलाइट मतलब एक टेराकोटा का मास्क मिला जिसके ऊपर एक हॉर्न था, वो भी मिला, मे बी उसको भी ये लोग भगवान मानते होंगे। टॉय कार्ट्स विथ व्हील, विसल्स, रैटल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, गेम्स मैन एंड डाइसर्स वेर ऑल्सो रेंडर्ड इन टेराकोटा। सी अभी यहाँ पे क्या मिला, टॉय कार्ड्स मिले, टॉय कार्ड्स मतलब खेलने खेलने के लिए बच्चों के लिए बनाए होंगे टॉय कार्ड्स, और अभी ये टॉय कार्ड्स किसके बने थे, दे वर मेड अप ऑफ द व्हील्स, विसल्स, रैटल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, फिर उनको उधर डाइसेस मिलेंगे। पहले के लोग वो शतरंज भी खेलते थे और वो चौकड़ी भी खेलते थे वो डाइस के साथ, लाइक डॉक्टर का प्लस साइन रहता है ना, उस हिसाब से उनके पास बहुत लोगों के पास चौकड़ी थी और वो चौकड़ी पे वो कुछ कुछ ड्रॉ करके दे यूज टू प्ले दैट ऑल गेम्स। शतरंज भी खेलते थे और शतरंज मतलब चेस, पहले के ज़माने के लोग चेस भी बहुत खेलते थे और ये चौकड़ी भी बहुत खेलते थे, स्पेशली राजा ये लोग बहुत खेलते थे अपनी रानियों के साथ। फिर धीरे धीरे बच्चे खेलने लगे देन ऑल घर वाले, आज अपन में भी बहुत से घर में वो चकार बोलते हैं ना, चकार काचा कौड़ी, या फिर अपन आज मॉडर्न टाइम्स में भी प्ले दैट लूडो गेम, बस उनके लिए उस वक्त का लूडो ऐसा था। एक्चुअली मेरे ग्रैंड मदर के पास भी ये था, लाइक वो मोती से बनाया हुआ था, वो प्लस जो था ना जिसमें चौकड़ी बोलते हैं वो लोग, वो प्लस ना मेरी ग्रैंड माँ के पास भी था और उन्होंने वो मोती से बनाया था, रेड एंड वाइट मोती से बनाया था। किधर किधर बीच में उनको वो क्रॉस करना पड़ता है कि लाइक यू कांट किल मी और आई एम सेफ यर, तो वो क्रॉस वाइट मोती से ऐसा सब बना हुआ, ये देखा है मैंने मेरी दादी के पास। मुझे पता नहीं वो लोग कैसे खेलते थे बट वो उस वक्त था, ये गेम था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेराकोटा फिगर्स आर दोज रिप्रेजेंटेड मदर गॉडनेसेस। से टेराकोटा फिगर से क्या पता चलता था, मदर गॉडनेसेस के बारे में पता चलता था। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, एज ट्रेड वॉज द मेन ऑक्यूपेशन इन दिस सिविलाइजेशन,
नो वंडर दे वेर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। ट्रेड क्या था, एक मेन ऑक्यूपेशन था सिविलाइजेशन का, तो क्या है, नो वंडर, तो लोगों को थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता था उस वक्त। द हरप्पन कल्चर स्प्रेड थ्रू आउट वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड। तो ये हरप्पन सिविलाइजेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है, दे माइट हैव स्पोकन वेरियस लोकल लैंग्वेज। तो हर जगह एक लोकल लैंग्वेज तो रहेगी, जैसे हिंदी को अपन अपनी राष्ट्रभाषा बोलते हैं, वी ऑल शुड नो द हिंदी, उस वक्त भी उनकी कोई लोकल लैंग्वेज रहेगी। इट सीम्स दैट दे फॉलोड द यूनिकॉर्न स्क्रिप्ट हाउएवर येट टू बी डेसिफर्ड। सी, ऐसे लगता है शायद वो लोग यूनिकॉर्न स्क्रिप्ट फॉलो करते होंगे, बट एक्चुअल सच क्या है नहीं पता। वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्क्रिप्ट ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। सी, अपने को क्या मिलते हैं, अपने को बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। अराउंड 3500 सच ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड ओनली फ्रॉम हरप्पा। सी, अराउंड 3700 ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले सिर्फ हरप्पा से, राइट। इट कैन बी सीन ऑन सील, सीलिंग, कॉपर टैबलेट्स, कॉपर ब्रॉन्ज इक्विपमेंट्स, वेसल्स एक्सेट्रा। सी, ये अपने को कहाँ देखने को मिलता है, इट कैन बी सीन ऑन सील, सीलिंग्स, कॉपर टैबलेट्स, कॉपर ब्रॉन्ज इक्विपमेंट्स, वेसल्स एक्सेट्रा। द स्क्रिप्ट इज इन पिक्टोग्राफ्स जनरली कंप्राइजिंग 5 सिम्बॉल्स इन 1 सेंटेंस, समटाइम्स रेयरली हैज 26 सिम्बॉल्स। सी, ये जो स्क्रिप्ट लिखी है ये क्या है, ये पिक्चर फॉर्म की है। जनरली क्या है, इसके अंदर 5 सिम्बॉल्स रहते हैं इन 1 सेंटेंस में, कभी कभी रेयरली हैज 26 सिम्बॉल्स। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स द स्क्रिप्ट हैज 400 to 450 सिम्बॉल्स वेयर ईच वर्ड और प्रोनाउंसिएशन हैज द सेपरेट सिम्बॉल। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स क्या है, द स्क्रिप्ट हैज 400 to 450 सिम्बॉल्स। एक स्क्रिप्ट में कितने हैं, स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, एक स्क्रिप्ट में कम से कम 450 to 450 सिम्बॉल्स हैं और हर एक वर्ड और प्रोनाउंसिएशन हैज अ सेपरेट सिम्बॉल, मतलब हर एक वर्ड के लिए, हर एक प्रोनाउंसिएशन के लिए क्या है, एक अलग सिम्बॉल है। दिस स्क्रिप्ट प्रोबेबली रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। अब ये स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। वी फाइंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सील्स विच डिपाइट एविडेंस ऑफ द स्क्रिप्ट। सी, अपने को क्या है, वी फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सील, अपने को क्या है, बहुत सारे सील्स मिलते हैं जो अपने को एविडेंस ऑफ द स्क्रिप्ट बोलते हैं। लाइक अपने को पता चलता है कि बाबा ये अपने को बहुत सारे सील्स मिले जिसके ऊपर से पता चलता है कि लोगों ने बहुत सारे स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखे रहते हैं। इट जनरली शोज 1 to 12 सिम्बॉल्स, अपने को सिर्फ 1 to 12 सिम्बॉल्स के बारे में ही एज इन पता चला है अच्छे से। वी फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सील विच डिस्पाइट एविडेंस ऑफ द स्क्रिप्ट। इट जनरली शोज 1 to 12 सिम्बॉल्स, मोस्टली द ट्रेडर यूज सच सील टू ऑथेंटिकेट दिया गुड्स। से बहुत से ट्रेडर्स भी सील का यूज करते थे ताकि अपना गुड्स वगैरह एक्सचेंज कर सकें। सच सील्स प्रोबेबली यूज इन एक्सचेंज ऑल्सो। अब ये सील क्या है, एक्सचेंज के लिए भी यूज़ किए थे। सील्स क्या है, एक्सचेंज, एक्सचेंज करने के लिए, यानी क्या, पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था, तो बस वो बार्टर सिस्टम भी यहाँ से चल रहा होगा, समझो ऐसे ही कुछ रहा होगा। तो ट्रेडर्स लोग क्या करते थे, सील भी यूज़ करते थे एक्सचेंज करने के लिए। सम सील्स ऑल्सो यूज एज पेंडेंट बाय द पीपल। सी, कुछ सील के लोगों ने क्या किए थे, पेंडेंट्स बना दिए थे। पेंडेंट्स यानी क्या, अपन जो गले में पहनते हैं ना, चेन के साथ अपन पहनते हैं पेंडेंट एंड ऑल, तो कुछ लोगों ने वो सील का पेंडेंट भी बना दिया था। वी फाइंड सच राइटिंग फॉर वेरियस पर्पस। वी फाइंड अभी अपने को बहुत से राइटिंग्स मिले हैं अलग अलग पर्पस के लिए किए हुए। अ वुडन साइन बोर्ड एट द गेटवे ऑफ धोलावीरिया इंडिकेट्स 10 अल्फाबेट्स मेड ऑफ स्टीलाइट्स। सी, अ वुडन साइन बोर्ड, हाँ, एट द गेटवे ऑफ धोलावीरिया, एक वुडन साइन बोर्ड मिला कहाँ पे, एट द गेट ऑफ धोलावीरिया, जो 10 अल्फाबेट्स के बारे में बोलता है और ये दिस वर मेड अप ऑफ स्टीलाइट्स। बिसाइड्स वी फाइंड स्क्रिप्ट ऑन द क्ले एंड मेटल टैबलेट्स टू। बिसाइड क्या है,
अपने को बहुत से स्क्रिप्ट भी मिले जो क्ले एंड मेटल टैबलेट्स पे लिखे हुए हैं। और रेक्टेंगुलर कॉपर टैबलेट फाउंड इन मोहनजोदड़ो से, और रेक्टेंगुलर कॉपर टैबलेट भी मिला मोहनजोदड़ो में। दे प्रोबेबली यूज फॉर रिलीजियस पर्पस, किस लिए यूज़ करते थे वो लोग? दे मोस्टली यूज इट फॉर द रिलीजियस पर्पस। वी ऑल्सो फाइंड द स्क्रिप्ट ऑन अर्थन पॉट्स, कॉपर ब्रॉन्ज टूल्स, बैंगल्स, बोन पाइंस, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। सी अपने को ये क्या है, वी ऑल्सो फाइंड द स्क्रिप्ट ऑन अर्थन पॉट्स। अपन ये सारे स्क्रिप्ट लिखे हुए किस पे देख सकते हैं? वी कैन सी दिस ऑन द पॉट्स, ऑन द कॉपर ब्रॉन्ज टूल्स, बैंगल्स, बोन पाइंस, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। दिस बैंगल्स विथ स्क्रिप्ट प्रोबेबली यूज फॉर रिलीजन पर्पज। सी ये बैंगल्स, अभी आपने देखा कि अपन ये बैंगल्स पे भी अपन स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो अपन जब बैंगल्स पे स्क्रिप्ट लिखते हैं इट इज़ यूज फॉर द रिलीजियस पर्पस ऑल्सो। अ कॉपर पॉट फील्ड विद गोल्ड, सी एक कॉपर पॉट है जो गोल्ड से भरा हुआ है, फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो हैज़ अ स्क्रिप्ट ऑन इट। सी एक कॉपर पॉट मिला जो गोल्ड से भरा हुआ है, मोहनजोदड़ो में मिला है और उसके ऊपर भी स्क्रिप्ट लिखी है। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स दिस माइट हैव द नेम ऑफ द ओनर हु ओन्ड दैट पॉट। अभी स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, इसके ऊपर जिसका ये पॉट है उस ओनर का नाम लिखा होगा। हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ द बिलिंगुअल स्क्रिप्ट स्टिल नाउ वी आर अनेबल टू रीड द स्क्रिप्ट अनलेस नोज द लैंग्वेज। सी आज भी क्या है, अपन ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते, अपन वी आर रियली फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड दिस स्क्रिप्ट, क्योंकि अपने को लैंग्वेज वो पता नहीं चल रही है, मतलब वो कौन सी लैंग्वेज में क्या लिखा है वो अपने को कुछ पता नहीं चल रही है, तो अपन वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पा रहे। हाउएवर इट्स डिस्कवरी फ्रॉम वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड डिस्प्लेस यूनिफॉर्मिटी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। हाउएवर क्या है, अब ये इतना वास्ट स्ट्रेच है ना ये हरप्पन कि बाबा एक जगह कुछ यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है, मतलब एक जैसा कुछ है ही नहीं, हर जगह अलग 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 नया कुछ तो मिल रहा है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट दिस द हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में ये है। सी टुडे वी हैव कम्प्लीटेड दिस टॉपिक दैट इज़ अबाउट द आर्ट क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ हरप्पन कल्चर। आज अपन ने ये पॉइंट कम्प्लीट किया, अपन ने लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट भी देखा, टेराकोटा फिगरिंग्स भी देखा, राइट अपन ने ये सारी चीज़ें देखी है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर विल फिनिश दिस टॉपिक। नाउ व्हाट यू कैन डू वन थिंग इज रीड द कंप्लीट टॉपिक थरोली। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माय मेल आईडी। माय मेल आईडी इज rasika.pagaria@arahamedu.in। थैंक यू।